अलसई टूर्स एंड ट्रैवल्स और एमएमके ट्रैवल सर्विसेज की जानिब से 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को उमरा रवाना होने वाले आजमीर उमरा के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तरबियती कैंप में रहबरुल हुज्जाज जनाब अलहाज ताहिर अली खान साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उमरा जाने से लेकर वापस आने तक तमाम जरूरी अहकाम सिखाए हैं। इन ट्रैवल्स के जरिए 7 अक्टूबर को दो ग्रुप रवाना हो रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप मीर मुतहर अली खान की निगरानी में और दूसरा ग्रुप आमिर अली खान की निगरानी में रवाना होगा और एक ग्रुप 14 अक्टूबर को मीर मुदस्सिर अली खान की निगरानी में रवाना होगा। इन ग्रुप्स के जरिए रवाना होने वाले आजमीन उमरा को उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम इस तरबियती कैंप के जरिए सिखाए गए हैं। एक रोज़ा तरबियती कैंप गुलबर्गा शहर के उस्मानिया लॉज में रखा गया था, जिसमें 150 आजमीन उमरा ने शिरकत की थी। अगर आप भी उमरा जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स और एमएमके ट्रैवल सर्विसेज के जरिए रवाना हो सकते हैं। अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर का सबसे कदीम ट्रैवल्स है, जिसके जरिए अब तक गुलबर्गा शहर के अलावा आसपास के दीगर स्टेट से अब तक हज़ारों लोग हज और उमरा की सआदत हासिल कर चुके हैं। और एमएमके ट्रैवल सर्विसेज भी अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का ही एक शाख है, जिसके जरिए बजट पैकेज तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी उमरा जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप ज्यादा जानकारी के लिए अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स और एमएमके ट्रैवल सर्विसेज की ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। ये 10-12-15 हज़ार ज्यादा नजर आता है, मगर एकदम क्वालिटी की सर्विस रहती है। एयरलाइंस भी सऊदी एयरलाइंस रहता है और वहाँ के होटल्स वगैरह भी जो है ना एकदम क्वालिटी के रहते हैं, खरीब रहते हैं। खाना तो बिल्कुल जो है ना आपको बेन ऐसी के वैसी नज़ीर जो है ना दूसरे ट्रैवल्स वाले पेश नहीं कर सकते, वैसा खाना जो है ना आपको मिल जाता है। वैसी ही टाइप का हमारा एक तश्कील दिया गया है जो इकोनॉमिक रेंज का, मार्केट में इकोनॉमिक रेंज में है। सर्विस जो है ना आपको वो नहीं मिलेगी जो एमएमके ट्रैवल से मिलती है। उसके भी होटल्स आपको एकदम स्टैंडर्ड खरीब के रहते हैं और खाना भी, और तजुर्बेकार जो है ना रहबरों की निगरानी में। हमारे पास ऐसा नहीं कि जो है ना सब एजेंट बनकर चार आठ यहाँ से चार आठ वहाँ के जमा करके जो है ना किसी के हवाले कर दिए, कोई तो जो है ना चला रहा है, किसी की निगरानी में जा रहा है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ग्रुप की तश्कील हमारे पास होती है और पूरी ग्रुप की रहबरी और निगरानी हमारे ही निगरानी में जो है ना पूरा काम होता है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे पिलग्रिम्स जो जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 26वां साल चल रहा है हमारे जो है ना ये सर्विस का। इसके अंदर कई अहबाब ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे ग्रुप से हज की सआदत भी हासिल किए हैं, उमरे की भी सआदत हासिल किए हैं। ये तहबंद की शक्ल में बांधना है, दूसरी चादर आपने दोनों शानों पे चादर की शक्ल में डालना है। अब कैसे बांधना है देख लें आप। और एक जो है ना एक थोड़ा मुश्किल है मगर बहुत मजबूत होता है। उमूमी तौर पर उस तरीके को मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या करेंगे, ये दो किनारे हैं, दो किनारों में आपका सीधी तरफ का जो किनारा है ये क्या करेंगे आप बाएं फसली में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, ये देख लो बाएं तरफ, यहाँ पर आप बाएं हाथ की कोनी रख देंगे और बाएं हाथ में जो किनारा है उसको मजबूती के साथ पकड़कर ये सीधी तरफ से आप ये दो हिस्सों में ये चादर को अपने सामने के हिस्से में लाएंगे। ये तीन हिस्सों में तकसीम हो गई, ये दो हिस्से, ये एक हिस्सा सीधी तरफ का हिस्सा अंदर के हिस्से में, बाई तरफ का हिस्सा ऊपर के हिस्से में, ये आप चादर बांध लिए। हो गई बात। एहराम बांधते वक्त ये ख्याल करना है कि चलने में आसानी हो, कोई अड़चन नहीं होना, कोई तंगी नहीं होना। देख लीजिए आप चल रहे हैं कितना आसानी के साथ चल रहे हैं, आसानी हो। दूसरा ये हो कि चलने में, बैठने में, फिर लेटने में पर्दे की हिफाजत हो, अपने सतर की हिफाजत हो। मर्द के लिए जो सतर है नाफ से लेके घुटने के नीचे तक का हिस्सा, ये मर्द के सतर में दाखिल हो जाता है। किसी गैर महरम मर्द औरत को या किसी मर्द को दिखाना ये जायज़ नहीं है। क्या है, नाफ के ऊपर से लेके घुटने के नीचे तक का हिस्सा इतना मर्द के लिए छुपाना फर्ज है। समझ में की बात। फ्लाइट में बैठे हैं, लेटे हुए हैं, किसी हाल में भी ये सतर खुलने ना पावे, इस अंदाज से हमारे को रहना। ये दोनों शानों पे डाल दिए। जब तक के नियत नहीं करते आप सर पे टोपी रख सकते हैं,
या तो आप चादर सर पे डाल सकते हैं, जब नियत करेंगे तलबिया पढ़ेंगे तो आपकी चादर सर पे से उतर जाएगी। मर्द के लिए एहराम की दो चादरें हैं, औरतों के लिए कोई चादरें नहीं हैं, वो अपने ही लिबास के अंदर नियत करेंगी। अभी आप क्या करेंगे, ये एहराम बांध लिए, एहराम बांधने में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो सपोर्ट ले सकते हैं। जो तजुर्बेकार पुराने हाजी हैं उनका उनकी जो है ना आप मदद ले सकते हैं। आप ग्रुप में आपके साथ में जो अहबाब ग्रुप लीडर बन के जा रहे हैं वो भी तजुर्बेकार हैं, अल्लाह पाक उनको भी कई कई मरतबा उम्रे और हज की शहादतें दिया है, उनके तजुर्बे से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 29 सितंबर बरोज़ इतवार उस्मानिया रेसिडेंसी रोज़ा मार्केट के रूबरू एक अजीम उशान तरबियती प्रोग्राम अल-सैयद टूर्स एंड ट्रैवल्स और MMK के जो ग्रुप जा रहे हैं 7 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को, उनकी तरबियत के लिए मुनाकिद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अल-हाज ताहिर अली ख़ान साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उम्रे में जाने वाले लोगों के लिए तमाम तफसीलात और ट्रेनिंग दी है। और इंशाअल्लाह ये ग्रुप 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सऊदी एयरलाइंस से हैदराबाद से इंशाअल्लाह रवाना होगा, और मीर मुत्तहिर अली ख़ान इसके रहबर रहेंगे और लीडर रहेंगे जो ग्रुप सुबह के फ्लाइट से जा रहा है। और इसी तरह उसी दिन 7 बजे शाम 7 तारीख को शाम 7 बजे जो इंडियन एयरलाइंस से जो ग्रुप जा रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाअल्लाह ये बंदा आमिर अली ख़ान उस ग्रुप के साथ रहेगा। ये दो ग्रुप 7 तारीख को जा रहे हैं और एक ग्रुप अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की सरपरस्ती में मीर मुद्दसर अली ख़ान जिसके ग्रुप के लीडर रहेंगे वो 14 तारीख को सुबह 11 बजे जाएगा। आज ये प्रोग्राम अपना पूरी कामयाबी के साथ और उम्रा में जाने वाले तमाम आज़मीन को तमाम अरकान और तमाम जो है तरबियत के इत्मीनान बख्श अंदाज से आज तकमील को पहुंचा, और जिसके अंदर तकरीबन 150 आज़मीन उम्रा शरीक रहे, ख़वातीन और मर्द हजरात की काफ़ी तादाद रही। तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि हज और उम्रे के सिलसिले में अगर जाने का इरादा रखते हैं तो अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स इसी तरह MM के दो ग्रुप हैं जिसके अलग अलग जो है चूँकि कीमतें हैं तो कम कीमत से MMK से और जो अल-सईद की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से अगला ग्रुप नवंबर की 11 तारीख को जा रहा है उसमें बुकिंग कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तमाम तफसीलात के लिए आप अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो ऑफिस मिजगोरी में है वहाँ पर तशरीफ़ लाएं और इंशाअल्लाह वहाँ से मालूमात करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आज़मीन उम्रा का सफ़र कबूल फरमाए और आफ़ियत के साथ सबको वापस आने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क के हालात अल्लाह ताला बेहतर बनाए, और जिनके अंदर इरादा है ज़ाहरी अस्बाब नहीं है अल्लाह ताला सबके इरादों की तकमील अपने गैब के ख़जाने से फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स और MMK ट्रैवल सर्विसेज का दोनों का कंबाइन उम्रा ट्रेनिंग कैंप उस्मानिया रेसिडेंसी हॉल में रखा गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर तमाम तर तफसीलात आई हुई हैं। रहबरुल हुज्जाज अल-हाज ताहिर अली ख़ान साहब और हाफिज़ मीर आमिर अली ख़ान साहब ने हज की उम्रे के जाने के तमाम अरकान, वहाँ के हालात, वहाँ किस तरह औकात गुजारें, उन तमाम चीज़ों पर तफसीली रोशनी डाली। इंशाअल्लाह जो हमारा ग्रुप जाने वाला है 7 अक्टूबर को जाने वाला है। 7 अक्टूबर के दिन दो ग्रुप होंगे, एक सुबह सऊदी एयरलाइंस से होगा और उसी दिन दोपहर में एयर इंडिया एक्सप्रेस से होगा। इंशाअल्लाह MMK ट्रैवल सर्विसेज के अंदर तकरीबन 80 से 90 अफराद हैं, उसकी रहबरी इंशाअल्लाह हाफिज़ बुखारी मीर आमिर अली ख़ान साहब करेंगे। इसके अलावा इंशाअल्लाह अगला जो ग्रुप है अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का वो 14 अक्टूबर को जाएगा और वो सऊदी एयरलाइंस से जाएगा और उसकी रहबरी हाफिज़ मीर मुदस्सिर अली ख़ान साहब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल-सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुज़िश्ता 26 सालों से हाजियों की खिदमत अंजाम दे रहा है
इंशाल्लाह आगे भी ग्रुप जाते रहेंगे, आप यहाँ पर आइए एतमाद के साथ, भरोसे के साथ, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाएगी और वहाँ के तमाम अरकान मसाइल खुद हम लोग रहबरी के साथ आपके अदा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए और इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह जो अगला ग्रुप होगा वो नवंबर में होगा, 11 नवंबर को, उसकी भी बुकिंग चालू है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इन नंबरात पर राबता कर सकते हैं।